आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले उसका नाम है टक जगदीश तो टक जगदीश फिल्म का तेलुगु और हिंदी वर्जन कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलेगा उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे होने वाला है में इस फिल्म की स्टार का सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंसिस के बारे में बातचीत करेंगे फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी डीप में जानकारी मिलने वाली है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है अंत तक सर बने रहिएगा तो आज का हमारे वीडियो स्टार्ट करते हैं टग जगदीश जो दो की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन फैमिली ड्रामा फिल्म है जहां पर फिल्म का जो स्टोरी आइडिया था उसके ऊपर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डिरेक्शन सभी चीजें शिवा निर्वाण ने क्रिएट की हुई है फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है साहू और हरीश जिन्होंने इस फिल्म को स्क्रीन प्रोडक्शन कंपनी के नीचे एक मीडियम बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को डायरेक्ट ओ टी पे रिलीज करवाया गया था और ओटी डिस्ट्रीब्यूशन के राइट अमेजोन प्राइम वीडियो वालों ने खरीदे हुए थे इसके अलावा इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था दूसरे टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी प्रसाद ने की हुई है एडिटिंग में प्रवीण पुड़ी ने काम किया, हुआ है 146 में में किया गोपी सुंदर ने और जो सॉन्ग्स है वो क्रिएट किए हुए थमन एस और गोपी सुंदर दोनों ने मिलकर जहाँ पे इस फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स है वो आदित्य म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए इस फिल्म के जो म्यूजिक के राइट वो अच्छी खासी प्राइस में उन्होंने खरीदे हुए थे फिल्म की कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल में नानी देखने को मिलेंगे जिन्होंने एल जगदीश नायडू का रोल प्ले किया हुआ है यानी कि टक जगदीश वाला किरदार टाइटल के दर उन्होंने प्ले किया हुआ है रितु वर्मा आपको गुम्मा डी वारा लक्ष्मी के रोल में दिखाई देंगी ऐश्वर्या राजेश ने चंद्रम्मा यानी कि चंद्रा का रोल प्ले किया हुआ है जगपति बाबू को बोसु बाबू का रोल दिया गया था नजर को आदिशेष नायडू का रोल दिया गया था वहीं पे डेनियल बालाजी ने वीरडू नायडू का रोल प्ले किया हुआ है तिरुमाला नायडू वाला किरदार तिरुवीर को दिया गया था अर्जुनम्मा वाला किरदार पार्वती टी को दिया गया था कुमारी का रोल रोहिणी को दिया गया था देवादर्शी ने इस फिल्म में गंगा भवानी का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे नरेश ने साथी बाबू का रोल प्ले किया हुआ है राव रमेश को इस फिल्म में देवउड़ा बाबू का रोल दिया गया था जयप्रकाश ने रघुराम पे का रोल प्ले किया हुआ है श्रीकांत अयंगर इस फिल्म में में मोहन राव के रोल दिखाई देंगे आदू कलाम नरे ने फिल्म में सोमराजू का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे कंचर पालेम राजू को भी इस फिल्म में लिया गया था वैष्णवी चेतन ने इस फिल्म में नीलाविणी का रोल प्ले किया हुआ है बिंदु चंद्र आपको इस फिल्म में जो के रोल में दिखाई देंगी और वीरेंद्र की मां का किरदार है कल्याणी राज ने प्ले किया हुआ था, था। नारायण मूर्ति का रोल दिया गया था वहीं पे एम आर ओ चंद्रशेखर वाला किरदार शशिधर ने प्ले किया हुआ है कन्ना बाबू का रोल भोपाल राजू को दिया गया था सुभाष राय को इस फिल्म में रमणा का रोल दिया गया था पम्मी साय को इस फिल्म में लिंगालू का रोल दिया गया था वहीं पे बेबी दीक्षा आपको नित्या के रोल में दिखाई देंगी इसके अलावा जोगी ब्रदर्स और गौतम राज भी देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म की कास्ट थी जिन्होंने इस फिल्म में इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो अगस्त बनाने वाले जहां में कुछ कोरी जो 2017 में फिल्म आई थी उसके बाद में उनका सेकंड कोलोबरेशन होने वाला है वो फिल्म काफी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी जहाँ पे बताया गया था कि इस फिल्म को साहू गारापति और हरीश पेड्डी प्रोड्यूस करने वाले अपने प्रोडक्शन कंपनी साइंस स्क्रीन प्रोडक्शन के नीचे इस फिल्म का जो टाइटल पोस्टर था वो ऑफिशियली तीन दिसंबर 2019 को को आउट किया गया को किया गया गया था था पे इस इस फिल्म उपर, फिल्म फिल्म टक जगदीश नाम से रिवील इसके अलावा के 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 ऊपर प्लॉट के ऊपर कोई भी कंफर्मेशन और इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी बाद में इस फिल्म में जो प्रोटोकोनिस का किरदार है उसके ऊपर बताया गया था कि वो बायोपोलर डिसऑर्डर से जुटता हुआ नजर आएगा जहां पे नानी ने क्लेरिफाई किया हुआ था कि वो न्यूज गलत है टक जगदीश एक आ, मसाला जोनर वाली फिल्म होने वाली और ये ये नानी के करियर की प्योर मसाला जोनर वाली पहली फिल्म होने वाली है कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें दो दिसंबर 2019 को रितु वर्मा को ऑफिशियली कास्ट किया गया था नानी के अपोजिट पे उससे पहले उन्होंने एवाडी सुब्रमण्यम ने काम का किया हुआ था इसके अलावा उनका तेलुगु लैंग्वेज में केसवा के बाद ये दूसरी तीसरी फिल्म थी और उसके बाद में बताया गया था कि वो इस फिल्म विलेज गर्ल का रोल प्ले करेगी जहाँ पे एक बिग कमर्शियल फिल्म है उनके लिए ऐश्वर्या राजेश को इस फिल्म में सेकंड लीड के लिए लिया गया था जगपति बाबू ने नानी के भाई का रोल प्ले किया हुआ है और उसके बाद में नजर डेनियल बालाजी तिरुवीर रोहिणी देवादर्शिनी और प्रवीणा को इस फिल्म में इम्पोर्टेंट रोल के लिए लिया गया था फिल्म को ऑफिशियली जो लॉन्च किया गया था वो था 30 जनवरी 2020 को उसके बाद में फिल्म की प्रिंसिपल शूट 11 फरवरी 2020 को स्टार्ट की गई थी करीबन 10-12 दिनों के बाद लॉन्च के बाद फिल्म को स्टार्ट किया गया था जहाँ पे इनिशियल फिल्म को पोलाची में शूट किया गया था राजमंडी में और वहीं लोकेशन के ऊपर कुछ, कुछ क्रिशियल सीन्स क्रिएट किए हुए थे और फिल्म के जो एक्शन सीक्वेंस थे और एक दो गाने थे वहां पे प्लान करके शूट किए गए थे कोविड नाइनटीन की वजह से कुछ चीजें शूट हुई थी बाद में फिल्म को रिज्यूम करना सॉरी पोस्ट का पोज करना पड़ा था उसके बाद में सात अक्टूबर 2020 से फिल्म को फिर से रिज्यूम किया गया जहां पे फिल्म को हैदराबाद में शूट किया गया था कोविड की वजह से प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए फिल्म को धीरे धीरे शूट किया जा रहा था जहां पे इस फिल्म की 75 परसेंट शूटिंग इस बीच में कंप्लीट की गई थी करीबन फिल्म का फाइनल सीडियो पाँच दिसंबर 2020 तक कंप्लीट करवाया गया था वहीं पे इस फिल्म को पूरी तरह से कंप्लीट करवाया गया उसके बाद में फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन का काम स्टार्ट किया गया था जहां पे नानी ने अपने की डबिंग जनवरी 2021 तक कंप्लीट करवा दी थी उसके बाद में इस फिल्म को पूरी तरह से कंप्लीट करवाने के बाद सेंसर करवाते हुए इस फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट लेते हुए थिएटर के लिए रिलीज किया गया था सॉरी रिलीज डेट ली गई थी लेकिन बाद में थिएटर के लिए फिल्म को रिलीज नहीं किया गया था कोविड की वजह से इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो आदित्य म्यूजिक के पास पास राइट से थमाने से

तो फिल्म की कहानी है वो एक ज्वाइंट फैमिली के ऊपर बेस्ड है जहाँ पे करके जो गांव है वहां पे एक फैमिली रहती है वहां की कहानी दिखाई गई है जहां पे इस फिल्म के एक टोन बिटवीन पे आदिशेष नायडू और वीरेंद्र इन दिन दोनों के बीच में जहाँ पे वीरेंद्र का रोल प्ले कर रहे हैं डेनियल बालाजी और आदिशेष नायडू का रोल प्ले कर रहे नजर दूसरे हाथ पे जग जगदीश यान की नानी जो गांव का सबसे ज्यादा पसंदीदा और मेंबर है वहीं पे वो फैमिली का सबसे यंगेस्ट मेंबर है जहाँ पे वो कुम्मा डीवारा लक्ष्मी से प्यार करता है जिसका रोल प्ले करे रितु वर्मा लेकिन ये सभी चीजें तब साफ में टन देती है जब आदिशेष नायडू का एक देहांत हो जाता है यानी कि जब जगदीश के पिता का देहांत हो जाता है उसके बाद में चीजें पूरी तरह से बदल जाती है जहाँ पे टग जगदीश का एल्डर ब्रदर यानी कि बोस यानी कि जगपति बाबू रोल प्ले कर रहे वो और उन दोनों के बीच में कुछ अनबन हो जाती है अब फैमिली फिर से किस तरह से एक होगी टग जगदीश इस सभी मैटर को कैसे हैंडल करेगा वही फिल्म की कहानी बनाती है नानी इस फिल्म की लाइफ और सोल है जिस तरह से टग जगदीश के किरदार में उन्होंने काम किया हुआ है उसमें जिस तरह से वो कन्विंस मैनर में सभी चीज़ों को डिलीवर करते हैं वो आपको जरूर पसंद आएगा ये सभी चीज़ें ऑडियंस को काफ़ी बढ़िया तरीके से पसंद आएगी उनकी डायलॉग डिलीवरी उनका जो परफॉर्मेंस था पूरी फिल्म में काफ़ी स्टैंड आउट लगा हुआ है जिस तरह से उन्होंने किरदार के प्रति अप्रोच किया हुआ था वो ओवर एक नज़र नहीं आ रहा था उन्होंने सबल एक्सप्रेशन के साथ काफी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के सभी मोमेंट्स को हैंडल किया हुआ था इमोशनल सीन्स एक्शन सिक्वेंस सभी जगह पे उनका काम काफी शानदार नजर आता है रितु वर्मा को एक जहाँ पे उन्होंने काफी बढ़िया तरीके से नानी के किरदार को सपोर्ट किया हुआ नानी और उनके बीच में जो सीस क्रिएट किया हुए डायरेक्टर ने उनको अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था फिल्म में सपोर्टिंग कास्ट है वो काफी गई है इसके अलावा इस फिल्म में आपको काफी बेहतरीन देखने को मिलते है जहाँ पे डेनियल बालाजी ने काफी हाईलाइट काम किया हुआ है उनका जो एक परफॉर्मेंस है फिल्म में एक फ्रेश फीलिंग लाता है जिस तरह से फिल्म का सेकंड हाफ काफी इस फिल्म का जो इंटरवल बैंक क्रिएट किया हुआ है काफी से वो काफी, का काफी हाई नोट के साथ क्रिएट किया गया था वही पेश वगेरा अरजेश को इस फिल्म में सेकंड लीड के लिए लिया गया था जहाँ पे उनका काम उन्होंने प्ले किया हुआ है नरेश राव रमेश रोहिणी देवादर्शिनी ये सभी

प्रॉपर वे में सक्सेस नहीं जाता है डायरेक्टर ने इस फिल्म में काफी सारी चीजों को स्क्रीन प्ले में जिस तरह से दिखाया हुआ है वो आपको उतना बेहतरीन नजर नहीं आएगा इस फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफी बढ़िया है कैमरा वर्क का आपको काफी शानदार देखने को मिलेगा गांव का लोकेशंस जिस तरह से नानी का किरदार जो एक्शन सीक्वेंस है उन सभी चीजों को जिस तरह से सोकिस किया हुआ है वो काफी ब्यूटीफुल नजर आता है एसएस थम उनका म्यूजिक काफी अच्छा था जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का डिसेंट नजर आता तो है जिसको दो घंटे के या दो घंटे दस मिनट के आसपास आसानी से लाया जा सकता था इसके अलावा नानी के किरदार को जिस तरह से स्टाइलाइज किया हुआ है जो प्रोडक्शन डिजाइन देखने को मिलती है वो अच्छी है फिल्म के डायलॉग बढ़िया है स्क्रीन प्ले थोड़ा बेहतर किया जा सकता था वो डल नजर आ रहा था डायरेक्टर शिवान निर्वाणा ने फिल्म के साथ डिसेंट काम किया हुआ है वहां पे इस फिल्म की कहानी को रूटीन मिनर में दिखाते और उनका नेरेशन भी उतना ही ऑर्डिनरी और काफी वही रूटीन प्रेबल नजर आ रहा था इसके अलावा मजीली और नीनु कौरी जैसे उन्होंने इमोशनल लव स्टोरी क्रिएट की हुई थी सिंपल स्टोरी थी लेकिन उसमें जिस तरह से उन्होंने इमोशंस को एक बेहतर वे में एक डेवलप दी हुई थी वो सभी चीजें काफी बढ़िया थी लेकिन इस फिल्म में कुछ जगह पे इमोशन भी काफी आर्टिफिशियल नजर आ रहे थे तो ये सभी चीजें वो फिल्म को थोड़ा एवरेज कर दे थी ओवरऑल एक विलेज बेस्ड फैमिली ड्रामा फिल्म है जहां पे काफी सारी टिपिकल चीजें नजर आएगी इमोशन ट्विस्ट आपको फर्स्ट हाफ में देखने को मिलते सेकंड हाफ में एक्शन एक और कुछ दूसरी स्टैंड आउट परफॉर्मेंस भी देखने को मिलते थे इन सभी चीजों की वजह से एक बार इस फिल्म को देखा जा सकता है टक जगदीश फिल्म के रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को 10 सितंबर 2021 को डायरेक्ट ओटीटी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलीज किया गया था Amazon Prime के ऊपर वालों ने काफी बड़ी प्राइस दी हुई थी आप तेलुगु वर्जन में अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर टक नाम के साथ विद इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्स इन्जॉय कर सकते हो जहां पे इस फिल्म को आई एम डी पे जो पांच की रेटिंग हासिल की गई है साढ़े वोट में तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस फिल्म को

गोलमांस के पास है तो YouTube चैनल के ऊपर ये फिल्म गोलमांस के YouTube चैनल के ऊपर ऑफिशियली प्रीमियर करवाई जाएगी वहीं पे टेलीविजन चैनल पे आपको ये फिल्म गोलमांस के टीवी के चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी तो इस तरह से टग जगदीश फिल्म आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे हिंदी और तेलुगु वर्जन में टग जग दिस 2021 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन फैमिली ड्रामा फिल्म है जहां फिर फिल्म का जो स्टोरी आइडिया था उसके ऊपर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन सभी चीजें सिवा निर्वाणा ने क्रिएट की हुई है फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ साहू गुरुपति और हरीश पेड्डी ने जिन्होंने इस फिल्म को साइंस स्क्रीन प्रोडक्शन कंपनी के नीचे एक मीडियम बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ था जहां पे इस फिल्म को डायरेक्ट ओटी टी पे रिलीज करवाया गया था और ओटी डिस्ट्रीब्यूशन के राइट अमेजोन प्राइम वालों ने खरीदे हुए थे इसके अलावा इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था दूसरे टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी प्रसाद मुरेला ने की हुई है एडिटिंग में प्रवीण पुडी ने काम किया हुआ है जिन्होंने एक मिनट यानी कि दो घंटे छब्बीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ गोपी सुंदर ने और जो सॉन्ग्स है वो क्रिएट किए हुए थमन इस और गोपी सुंदर दोनों ने मिलकर जहाँ पे इस फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स वो आदित्य म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए, हुए तो नायडू का रोल प्ले किया हुआ है कि टक जगदीश किरदार टाइटल के दर उन्होंने प्ले किया हुआ है ऋतु वर्मा आपको गुम्मा डी वारा लक्ष्मी के रोल में दिखाई देंगी ऐश्वर्या राजेश ने चंद्रम्मा यानी कि चंद्रा का रोल प्ले किया हुआ है

ंगर इस फिल्म में आर ओ मोहन राव के रोल में दिखाई देंगे आदू कलाम नरे ने फिल्म में रोल प्ले किया हुआ का रोल प्ले किया देंगी और वीरेंद्र के माँ का कल्याणी राज ने प्ले किया हुआ था साय वाला किरदार प्रवीण को दिया गया था रघु बाबू ने नारायण का रोल प्ले किया हुआ है राम राजू ने इस फिल्म में शेरी नायडू वाला किरदार प्ले किया हुआ है सीवीएल नरसीमा राव को एडवोकेट

चला था कि नानी एक फिल्म करने वाले जहां पे एक अनटाइटल प्रोजेक्ट सामने निकल के आया हुआ है और ये प्रोजेक्ट उसी बार निर्वाणा के साथ बनाने वाले निनु कोरी जो फिल्म आई थी उसके बाद जहाँ पे बताया गया था कि इस फिल्म को और हरीश पेटी प्रोड्यूस करने वाले अपने प्रोडक्शन कंपनी साइंस स्क्रीन प्रोडक्शन के नीचे इस फिल्म का जो टाइटल पोस्टर था वो ऑफिशियली तीन दिसंबर दो को आउट किया गया था जहाँ पे इस फिल्म को टक जगदीश नाम से रिविल किया गया था इसके अलावा इस फिल्म के टोनर के ऊपर फिल्म के के प्लॉट ऊपर कोई भी कंफर्मेशन और इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी बाद नजर आएगा जहाँ पे नानी ने क्लेरिफाई किया हुआ था कि वो न्यूज गलत है टक जगदीश एक आ, आ, मसाला जोनर वाली फिल्म होने वाली और ये ये नानी के करियर की प्योर मसाला जोनर वाली पहली फिल्म होने वाली है कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें दो दिसंबर 2019 को रितु वर्मा को ऑफिशियल कास्ट किया गया था नानी के अपोजिट यहाँ पे उससे पहले उन्होंने ये वाडे सुब्रमण्यम ने का काम किया हुआ था इसके अलावा उनका तेलुगु लैंग्वेज में केसवा के बाद ये दूसरी तीसरी फिल्म थी और उसके बाद में बताया गया था कि वो इस फिल्म में विलेज गर्ल का रोल प्ले करेगी जहाँ पे एक बिग कमर्शियल फिल्म है उनके लिए ऐश्वर्या राजेश को इस फिल्म में लीड के लिए लिया गया था बाबू ने नानी के भाई का रोल प्ले किया हुआ है और उसके बाद में नजर डेनियल बालाजी तिरुवीर रोहिणी देवादर्शनी और प्रवीणा को इस फिल्म में इम्पोर्टेंट रोल के लिए लिया गया था फिल्म को ऑफिशियली जो लॉन्च किया गया था वो था तीस जनवरी दो को उसके बाद में फिल्म की प्रिंसिपल शूट ग्यारह फरवरी 2020 को स्टार्ट की गई थी करीबन 10-12 दिनों के बाद लॉन्च के बाद फिल्म को स्टार्ट किया गया था जहाँ पे इनिशियली फिल्म को पोलाची में शूट किया गया था राजमंडरी में और वहीं लोकेशन के ऊपर कुछ क्रिशल सीन्स क्रिएट किए हुए थे और फिल्म के जो एक्शन सीक्वेंस थे और एक दो गाने थे वहां पे प्लान करके शूट किए गए थे कोविड नाइन्टीन की वजह से कुछ चीजें शूट हुई थी बाद में फिल्म को रिज्यूम करना सॉरी पोस्ट का पोज करना पड़ा था उसके बाद में सात अक्टूबर 2020 से फिल्म को फिर से रिज्यूम किया गया जहां पे फिल्म को हैदराबाद में शूट किया गया था कोविड की वजह से प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए फिल्म को धीरे धीरे शूट किया जा रहा था जहां पे इस फिल्म की 75 परसेंट शूटिंग इस बीच में कंप्लीट की गई थी करीबन फिल्म का फाइनल सीडियो पाँच दिसंबर 2020 तक कंप्लीट करवाया गया था वहीं पे इस फिल्म को पूरी तरह से कंप्लीट करवाया गया उसके बाद में फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन का काम स्टार्ट किया गया था जहां पे नानी ने अपने की डबिंग जनवरी 2021 तक कंप्लीट करवा दी थी उसके बाद में इस फिल्म को पूरी तरह से कंप्लीट करवाने के बाद सेंसर करवाते हुए इस फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट लेते हुए थिएटर के लिए रिलीज किया गया था सॉरी रिलीज डेट ली गई थी लेकिन बाद में थिएटर के लिए फिल्म को रिलीज नहीं किया गया था कोविड की वजह से म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सॉन्ग्स से से को कंपोज किया हुआ, हुआ तो उसमें से पांच गाने उन्होंने टक सॉन्ग वाला जो गाना है वो गोपी सुंदर ने ही कंपोज किया हुआ था तो इस तरह से फिल्म में ये सभी गाने अगर आपको सुने तो वीडियो फॉर्मेट आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल चैनल के ऊपर सुन सकते हो अब बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो फिल्म की कहानी है वो एक ज्वाइंट फैमिली के ऊपर भेज रही है पे बोडीवेरपुरम करके जो गांव है वहाँ पे एक फैमिली रहती है वहाँ की कहानी दिखाई गई है जहाँ पे इस फिल्म के टोन बिटवीन जहाँ पे आदिश एस नायडू और वीरेंद्र इन दिन दोनों के बीच में जहाँ पे वीरेंद्र का रोल प्ले कर रहे हैं डेनियल बालाजी और आदिश एस नायडू का रोल प्ले कर रहे नज़र दूसरे हाथ पे टक जगदीश यानी कि नानी जो गाँव का सबसे ज़्यादा पसंदीदा और मेंबर है वहीं पे वो उस आदिसेस फैमिली का सबसे यंगेस्ट मेंबर है जहां पे वो कुम्मा दिवारा लक्ष्मी से प्यार करता है जिसका रोल प्ले करे रितु वर्मा लेकिन ये सभी चीजें तब साफ में टन देती है जब आदिसेस नायडू का एक देहांत हो जाता है यानी कि टक जगदीश से पिता का देहांत हो जाता है उसके बाद में चीज़ें पूरी तरह से बदल जाती है जहाँ पे टग जगदीश का एल्डर ब्रदर यानी कि बोस यानी कि जगपति बाबू वो रोल प्ले कर रहे वो और उन दोनों के बीच में कुछ अनबन हो जाती है अब फैमिली फिर से किस तरह से एक होगी टग जगदीश इस सभी मैटर को कैसे हैंडल करेगा वही फिल्म की कहानी बनाती है नानी इस फिल्म की लाइफ और सोल है जिस तरह से जिसके किरदार में उन्होंने काम किया हुआ है उसमें जिस तरह से वो कन्विंस मैनर में सभी चीज़ों को डिलीवर करते हैं वो आपको ज़रूर पसंद आएगा ये सभी चीज़ें ऑडियंस को काफ़ी बढ़िया तरीके से पसंद आएगी उनके डायलॉग डिलीवरी उनका जो परफॉर्मेंस था पूरी फिल्म में काफ़ी स्टैंड आउट लगा हुआ है जिस तरह से उन्होंने किरदार के, के प्रति अप्रोच किया हुआ था वो ओवर एक नज़र नहीं आ रहा था उन्होंने सबल एक्सप्रेशन के साथ काफी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के सभी मोमेंट्स को हैंडल किया हुआ था इमोशनल सीन्स एक्शन सिक्वेंस सभी जगह पर उनका काम काफी शानदार नजर आता है रितु वर्मा को एक इम्प्रेसिव रोल दिया गया था जहाँ पे उन्होंने काफी बढ़िया तरीके से नानी के किरदार को सपोर्ट किया हुआ था जगपति बाबू ने एक मीटी रोल प्ले किया हुआ है उनका किरदार काफी बढ़िया तरीके से डेवलप होता है उनका काम आपको ज़रूर पसंद आएगा नानी और उनके बीच में जो सीन्स क्रिएट किया हुए डायरेक्टर ने उनको अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था फिल्म में सपोर्टिंग कास्ट है वो काफी इम्प्रेसिव मेनर में सेट की गई है इसके अलावा इस फिल्म में आपको काफी बेहतरीन देखने को मिलते हैं जहाँ पे डेनियल बालाजी ने काफी एक हाईलाइट काम

प्रॉपर वे में सक्सेस नहीं जाता है डायरेक्टर ने इस फिल्म में काफी सारी चीजों को स्क्रीन प्ले में जिस तरह से दिखाया हुआ है वो आपको उतना बेहतरीन नजर नहीं आएगा इस फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफी बढ़िया है कैमरा वर्क काफ आपको काफी शानदार देखने को मिलेगा गांव का लोकेशन जिस तरह से नानी का जिस तरह से शोकेस किया हुआ है है वो काफी काफी ब्यूटीफुल नजर आता है, का म्यूजिक अच्छा था पे बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का डिसन नजर आता है ठीक ठाक था वहीं पे बीजे में वो गोपी सुंदर ने क्रिएट किया हुआ था एडिटिंग के ऊपर बातचीत करे तो काफी ज्यादा सीन ऐसे देखने को मिलते जिसे चोपअप किया जा सकता था ये फिल्म करीबन ढाई घंटे के आसपास की फिल्म है जिसको दो घंटे के

इसके अलावा मजिली और नीनू कौरी जैसे उन्होंने इमोशनल लव स्टोरी क्रिएट की हुई थी सिंपल स्टोरी थी लेकिन उसमें जिस तरह से उन्होंने इमोशंस को एक बेहतर वे में एक डेवलप दी हुई थी वो सभी चीजें काफी बढ़िया थी लेकिन इस फिल्म में कुछ जगह पे इमोशन भी काफी आर्टिफिशियल नजर आ रहे थे तो ये सभी चीजें वो फिल्म को थोड़ा एवरेज कर दी थी ओवरऑल एक विलेज बेस्ड फैमिली ड्रामा फिल्म है जहां पे काफी सारी टिपिकल चीजें नजर आएगी इमोशन आपको फर्स्ट हाफ में देखने को मिलते सेक्वेंस और कुछ दूसरी स्टैंड आउट परफॉर्मेंस भी देखने को मिलते थे इन सभी चीजों की वजह से एक बार इस फिल्म को देखा जा सकता है टक जगदीश फिल्म के रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को 10 सितंबर 2021 को डायरेक्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलीज किया गया था वालों ने काफी फिलहाल में आप तेलुगु वर्जन में अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर नाम के साथ विद इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन इन्जॉय कर सकते हो जहां पे इस फिल्म को आई पे जो पॉइंट की रेटिंग हासिल की गई है वोट में तो इसे अंदाजा लगाया जा सकता है की की तरफ तो से मिक्स रिस्पांस मिला था वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी वर्जन है उसके राइट गोलमाइंस के पास है तो टक फिल्म आपको आने वाले समय में, के और के के उपर, बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी ऑफिशियली को को प्रीमियर नहीं करवाया जाएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ इस फिल्म का जो तेलुगु वर्जन है वो अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर ऑफिशियली विंग्लिस सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन इन्जॉय कर पाओगे वहीं पे हिंदी वर्जन है उसके राइट गोल के पास है तो यूट्यूब चैनल के ऊपर ये फिल्म गोलमेंस के youtube चैनल के ऊपर ऑफिशियली प्रीमियर करवाई जाएगी वहीं पे टेलीविजन चैनल पे आपको ये फिल्म गोलमेंस के टीवी के चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी तो इस तरह से टग जगदीश फिल्म आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे हिंदी और तेलुगु वर्जन में टग जगदीश 2021 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन फैमिली ड्रामा फिल्म है जहां फिर फिल्म का जो स्टोरी आइडिया था उसके ऊपर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन सभी चीजें सिवा निर्वाणन ने क्रिएट किए हुई है फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ साहू गरुपति और हरीश पेट्टी ने जिन्होंने इस फिल्म को साइंस स्क्रीन प्रोडक्शन कंपनी के नीचे एक मीडियम बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को डायरेक्ट ओटीटी पे रिलीज करवाया गया था और ओटीटी डिस्ट्रीब्यूशन टी डिब्यूशन के राइट अमेजोन प्राइम वालों ने खरीदे हुए थे इसके अलावा इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था दूसरे टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करे तो सिनेमाटोग्राफी प्रसाद मुरेला ने की हुई है एडिटिंग में प्रवीण पुरी ने काम किया हुआ है जिन्होंने एक मिनट यानी कि दो घंटे छब्बीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है गोपी सुंदर ने और जो सॉन्ग्स है वो क्रिएट किए हुए थमन एस और गोपी सुंदर दोनों ने मिलकर जहाँ पे फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स है वो आदित्य म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए इस फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स वो अच्छी खासे प्राइस में उन्होंने खरीदे हुए थे फिल्म के कास्ट ऊपर के बातचीत करें तो लीड रोल में नानी देखने को मिलेंगे जिन्होंने एल जगदीश नायडू का रोल प्ले किया हुआ है यानी कि टक जगदीश वाला के दर टाइटल के दर उन्होंने प्ले किया हुआ है रितु वर्मा आपको गुम्मा वारा लक्ष्मी के रोल में दिखाई देंगी ऐश्वर्या राजेश ने चंद्रम्मा यानी कि चंद्रा का रोल प्ले किया हुआ है जब बाबू को बोसुबाबू का रोल दिया गया था नजर को आदि का रोल प्ले किया गया था रोहिणी को दिया गया था, 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 था। देवादर्शिनी ने इस फिल्म में गंगा भवानी का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे नरेश ने साथी बाबू का रोल प्ले किया हुआ है राव रमेश को इस फिल्म में देवुडा बाबू का रोल दिया गया था जयप्रकाश ने रघुराम पे पट्रोडू का रोल प्ले किया हुआ है इस फिल्म में इम आर ओ मोहन राव के रोल में दिखाई दिखा देंगे आदू कलम सोमराजू का रोल प्ले किया हुआ का रोल प्ले किया हुआ है। आपको इस रोल में देंगी। और वीरेंद्र के माँ का किरदार वो कल्याणी राज ने प्ले किया हुआ था साय वाला किरदार प्रवीण को दिया गया था बाबू ने नारायण का रोल प्ले किया हुआ है राम राजू ने इस फिल्म में शेरी नायडू वाला किरदार प्ले किया हुआ है सीवीएल नरसीमा राव को एडवोकेट रोल दिया गया था वहीं पे एम आर चंद्रशेखर वाला ने प्ले किया हुआ है। कन्ना का को दिया गया था, का दिया गया था। वहीं पे बेबी को नित्या के रोल में दिखाई देंगी इसके अलावा जोगी ब्रदर्स और गौतम राज भी देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेट किरदार प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो अगस्त 2019 में उन्नीस में कुछ सोश

जहाँ पे इस फिल्म को टक जगदीश नाम से रिवील किया गया था इसके अलावा इस फिल्म के जोनर के ऊपर फिल्म के के प्लॉट ऊपर कोई भी कन्फर्मेशन और इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी बाद में इस फिल्म में जो प्रोटोकोलिस का किरदार है उसके ऊपर बताया गया था कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर से जुड़ता हुआ नजर आएगा जहाँ पे नानी ने क्लेरिफाई किया हुआ था कि वो न्यूज गलत है टक जगदीश एक आ... आ, मसाला जोनर वाली फिल्म होने वाली है और ये ये नानी के करियर की प्योर मसाला जोनर वाली पहली फिल्म होने वाली है कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें दो दिसंबर दो हजार उन्होंने ये एआरडी सुब्रमण्यम ने काम किया हुआ था इसके अलावा उनका तेलुगु लैंग्वेज में केसवा के बाद ये दूसरी तीसरी फिल्म थी और उसके बाद में बताया गया था कि वो इस फिल्म में विलेज गर्ल का रोल प्ले करेगी जहाँ पे एक बिग कमर्शियल फिल्म है उनके लिए ऐश्वर्या राजेश को इस फिल्म में सेकंड लीड के लिए लिया गया था जगपति बाबू ने नानी के भाई का रोल प्ले किया हुआ है और उसके बाद में नजर डेनियल बालाजी तिरुवीर रोहिणी देवादर्शिनी और प्रवीणा को इस फिल्म में इम्पोर्टेंट रोल के लिए लिया गया था फिल्म को ऑफिशियली जो लॉन्च किया गया था वो था तीस जनवरी दो को उसके बाद में फिल्म की प्रिंसिपल शूट फरवरी दो हजार बीस को स्टार्ट की गई थी करीबन दस बारह दिनों के बाद लॉन्च के बाद फिल्म को स्टार्ट किया गया था इनिशियली फिल्म को पोलाची में शूट किया गया था में और वहीं लोकेशन के ऊपर कुछ क्रिशियल सीन्स क्रिएट किए हुए थे और फिल्म के जो एक्शन सीक्वेंस थे और एक दो गाने थे वहां पे प्लान करके शूट किए गए थे कोविड नाइनटीन की वजह से कुछ चीजें शूट हुई थी बाद में फिल्म को रिज्यूम करना सॉरी पोस्ट का पोज करना पड़ा था उसके बाद में सात अक्टूबर 2020 से फिल्म को फिर से रिज्यूम किया गया जहां पे फिल्म को हैदराबाद में शूट किया गया था कोविड की वजह से प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए फिल्म को धीरे धीरे शूट किया जा रहा था जहाँ पे इस फिल्म की 75 परसेंट शूटिंग इस बीच में कंप्लीट की गई थी करीबन फिल्म का फाइनल सीडीओ 5 दिसंबर 2020 तक कंप्लीट करवाया गया था वहीं पे इस फिल्म को पूरी तरह से कंप्लीट करवाया गया उसके बाद में फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन का काम स्टार्ट किया गया था जहां पे नानी ने अपने पोषण की डबिंग जनवरी दो तक कम्प्लीट करवा दी थी उसके बाद में इस फिल्म को पूरी तरह से कम्प्लीट करवाने के बाद सेंसर करवाते हुए इस फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट लेते हुए थिएटर के लिए रिलीज किया गया था सॉरी रिलीज डेट ली गई थी लेकिन बाद में थिएटर के लिए फिल्म को रिलीज नहीं किया गया था कोविड की वजह से इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो आदित्य म्यूजिक के पास, पास से थमन एस से एस और गोपी सुंदर ने इस फिल्म के सॉन्ग्स को कंपोज किया हुआ है जहा पे एस एस थमन ने सभी गानों को कंपोज किया हुआ था टोटल छे गाने उसमें से पांच गाने उन्होंने कंपोज किए हुए थे टक सॉन्ग वाला जो गाना है वो गोपी सुंदर ने ही कंपोज किया हुआ था तो इस तरह से फिल्म में ये सभी गाने अगर आपको सुनने तो वीडियो ऑडियो फॉर्मेट आदि थे म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चैनल के ऊपर सुन सकते हो अब बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो फिल्म की कहानी है वो एक ज्वाइंट फैमिली के ऊपर बेस्ड है जहाँ पे बोडेवेरपुरम करके जो गांव है वहाँ पे एक फैमिली रहती है वहाँ की कहानी दिखाई गई है जहाँ पे इस फिल्म के एक टोन बिटवीन जहाँ पे आदिशेष नायडू और वीरेंद्र इन दिन दोनों के बीच में जहाँ पे वीरेंद्र का रोल प्ले कर रहे डेनियल बालाजी और आदिशेष नायडू का रोल प्ले कर रहे नजर दूसरे हाथ पे जग जगदीश यानी नानी जो गाँव का सबसे ज्यादा पसंदीदा और यंगेस्ट मेंबर है वहीं पे वो उस आदिशेष फैमिली का सबसे यंगेस्ट मेंबर है जहाँ पे वो कुमार डीवारा लक्ष्मी से प्यार करता है जिसका रोल प्ले करे रितु वर्मा लेकिन ये सभी चीजें तब साफ पे में टन रहती है जब आदिशेष नायडू का एक देहांत हो जाता है यानी कि टग जगदीश से पिता का देहांत हो जाता है उसके बाद में चीजें पूरी तरह से बदल जाती है जहाँ पे टग जगदीश का एल्डर ब्रदर यानी कि बोस यानी कि जगपति बाबू रोल प्ले कर रहे वो और उन दोनों के बीच में कुछ अनबन हो जाती है अब फैमिली फिर से किस तरह से एक होगी टग जगदीश सभी मैटर को कैसे हैंडल करेगा वही फिल्म की कहानी बनाती है नानी इस फिल्म की लाइफ और सोल है जिस तरह से टक के किरदार में उन्होंने काम किया हुआ है उसमें जिस तरह से वो कन्विंस मैनर में सभी चीजों को डिलीवर करते हैं वो आपको जरूर पसंद आएगा ये सभी चीज़ें ऑडियंस को काफी बढ़िया तरीके से पसंद आएगी उनकी डायलॉग डिलीवरी उनका जो परफॉर्मेंस था पूरी फिल्म में काफी स्टैंड आउट लगा हुआ है जिस तरह से उन्होंने किरदार के प्रति अप्रोच किया हुआ था वो ओवर एक नजर नहीं आ रहा था उन्होंने सबल एक्सप्रेशन के साथ काफी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के सभी मोमेंट्स को हैंडल किया हुआ था इमोशनल सीन्स एक्शन एक सभी जगह पर उनका काम काफी शानदार नजर आता है रितु वर्मा को एक इंप्रेसिव रोल दिया गया था जहाँ पे उन्होंने काफी बढ़िया तरीके से नानी के किरदार को सपोर्ट किया हुआ था बाबू ने एक मीटी रोल प्ले किया हुआ है हाफ में उनका किरदार काफ़ी बढ़िया तरीके से डेवलप होता है वहां पे का काम आपको ज़रूर पसंद आएगा नानी और उनके बीच में जो सीस क्रिएट किया हुए डायरेक्टर ने उनको अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था फिल्म में सपोर्टिंग कास्ट है वो काफ़ी इंप्रेसिव में सेट की गई है इसके अलावा इस फिल्म में आपको काफी बेहतरीन देखने को मिलते हैं जहाँ पे डेनियल बालाजी ने काफी एक हाईलाइट काम

लोग अपने रोल में काफी डिसेंट नजर आ रहे थे इस फिल्म का बैकड्रॉप की बात कर जो स्टोरी है उसमें कोई नजर नहीं आएगी ये सभी चीजें ये जो जो दिखाए गए वो इस फिल्म से पहले कई फिल्मों में में आपने देखे होंगे ऐसा नजर आएगा के भी जो सभी चीजें क्रिएट की गई वो भी थोड़ी रूटीन नजर आएगी वो भी आपने देखी होगी लेकिन जिस तरह से नानी ने अप्रोच किया हुआ है वो थोड़ा चीजों को अलग और डिफरेंट करता है इसके अलावा इस फिल्म में काफी सारे अननेसेसरी सीन्स डाले हुए जो ऑडियंस का इंटरेस्ट पूरी तरह से किल करते हुए नजर आते हैं

प्रॉपर वे में सक्सेस नहीं जाता है। डायरेक्टर ने इस फिल्म में काफी काफी बढ़िया है। का आपको काफी शानदार देखने को मिलेगा गांव का लोकेशन जिस तरह से नानी का किरदार जो एक्शन सिकोन से उन सभी चीजों को जिस तरह से शोकेस किया हुआ है वो काफी ब्यूटीफुल नजर आता है एसमन का म्यूजिक काफी अच्छा था बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का डिसेंट नजर आता है ठीक ठाक था, था वहीं पे में वो गोपी सुंदर ने क्रिएट किया हुआ घंटे के, तो के आसपास की फिल्म है जिसको घंटे के या दो घंटे दस मिनट के आसपास आसानी से लाया जा सकता था इसके अलावा नानी के किरदार को जिस तरह से स्टाइलाइज किया हुआ है जो प्रोडक्शन डिजाइन देखने को मिलती है वो अच्छी है फिल्म के डायलॉग बढ़िया है स्क्रीन प्ले थोड़ा बेहतर किया जा सकता था वो डल नजर आ रहा था डायरेक्टर शिवान निर्वाणा ने फिल्म के साथ डिसेंट काम किया हुआ है वहाँ पे इस फिल्म की कहानी को रूटीन मिनर में दिखाते और उनका नेरेशन भी उतना ही ऑर्डिनरी और काफी वही रूटीन प्रिडिक्टेबल नजर आ रहा था इसके अलावा मजिली और कोरी जैसे उन्होंने इमोशनल लव स्टोरी क्रिएट की हुई थी थी सिंपल स्टोरी लेकिन उसमें जिस तरह से उन्होंने इमोशंस को एक बेहतर वे में में डेवलप दी हुई थी थी वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया थी, लेकिन इस फिल्म कुछ जगह इमोशन भी काफ़ी आर्टिफिशियल नजर आ रहे थे तो ये सभी चीजें वो फिल्म को थोड़ा एवरेज कर दे थी ओवरऑल एक विलेज बेस्ड फैमिली ड्रामा फिल्म है जहां पर काफी सारी टिपिकल चीजें नजर आएगी इमोशंस ट्विस्ट आपको फर्स्ट हाफ में देखने को मिलते हैं सेकंड हाफ में एक्शन सिक्वेंस और कुछ दूसरी स्टैंड आउट परफॉर्मेंस भी देखने को मिलते थे इन सभी चीजों की वजह से

तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स मिला था वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी वर्जन है उसके के पास है के और के इस फिल्म को दूसरे कोई भी यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑफिशियली प्रीमियर नहीं करवाया जाएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि इस फिल्म का जो तेलुगु वर्जन है वो अमेजन प्राइम विडियो के ऊपर ऑफिशियली विंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन

जहां फिल्म का जो स्टोरी आइडिया था उसके ऊपर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन सभी चीजें सिवा निर्वाणा ने क्रिएट किए हुई है फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ साहू गरुपति और हरीश पेड ने जिन्होंने इस फिल्म को साइंस स्क्रीन प्रोडक्शन कंपनी के नीचे एक मीडियम बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ था जहां पे इस फिल्म को डायरेक्ट ओटीटी टी पे रिलीज करवाया गया था और ओटीटी डिस्ट्रीब्यूशन के राइट अमेजोन प्राइम वालों ने खरीदे हुए थे इसके अलावा इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था दूसरे टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करे तो सिनेमाटोग्राफी प्रसाद मुरेला ने की हुई है एडिटिंग में प्रवीण पुरी ने काम किया हुआ है जिन्होंने एक मिनट यानी कि दो घंटे छब्बीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है इस के म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है गोपी सुंदर ने और जो सॉन्ग्स है वो क्रिएट किए हुए थमन एस और गोपी सुंदर दोनों ने मिलकर जहाँ पे इस फिल्म के जो म्यूजिक के राइट है वो आदित्य म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए इस फिल्म के जो म्यूजिक के राइट में खरीदे हुए थे फिल्म की के करें तो लीड रोलेंगे उन्होंने प्ले किया हुआ रितु वर्मा आपको गुमार डी वारा लक्ष्मी के रोल में दिखाई देंगी ऐश्वर्या राजेश ने चंद्रम्मा यानी चंद्रा का रोल प्ले किया हुआ है छत्रपति बाबू को बोसू बाबू का रोल दिया गया था नजर को आदिशेष नायडू का रोल दिया गया था वहीं पे डेनियल बालाजी ने विरंडू नायडू का रोल प्ले किया हुआ है तिरुमाला नायडू वाला किरदार तिरुवीर को दिया गया था अर्जुन अम्मा वाला किरदार पार्वती टी को दिया गया था कुमारी का रोल रोहिणी को दिया गया था देवादर्शिनी ने इस फिल्म में गंगा भवानी का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे नरेश ने साथी बाबू का रोल प्ले किया हुआ है राव रमेश को इस फिल्म में देवुढ़ा बाबू का रोल दिया गया था जयप्रकाश ने रघुराम पे पटरूडू का रोल प्ले किया हुआ है श्रीकांत अयंगर इस फिल्म में एम मोहन राव के रोल में दिखाई देंगे आदू कलाम नरे ने फिल्म में सोमराजू का रोल प्ले किया हुआ वही पे कंचर पालम राजू को भी इस फिल्म में लिया गया था वैष्णवी चैतन्य ने इस फिल्म में नीला वेणी का रोल प्ले किया हुआ है बिंदु आपको इस फिल्म में में ज्योति के रोल दिखाई देंगी और की का किरदार है वो कल्याणी राज ने प्ले किया हुआ था वाला किरदार प्रवीण को दिया गया था रघु बाबू ने सूर्य नारायण का रोल प्ले किया हुआ है राम राजू ने इस फिल्म में शेरी नायडू वाला किरदार प्ले किया हुआ है सीवीएल नसीमा राव को एडवोकेट नारायण मूर्ति का रोल दिया गया था वहीं पे एम आर ओ चंद्रशेखर वाला किरदार शशिधर ने प्ले किया हुआ है

प्रोजेक्ट को सिवा निर्वहणा के साथ

सम नहीं दी गई थी बाद में इस फिल्म में जो प्रोटोगोनिस्ट का किरदार है उसके ऊपर बताया गया था कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर से जूता हुआ नजर आएगा जहाँ पे नानी ने क्लेरिफाई किया होता कि वो न्यूज़ गलत है टक जगदीश एक आ, आ, मसाला जॉनर वाली फिल्म होने वाली है और ये ये नानी के करियर की प्योर मसाला जॉनर वाली पहली फिल्म होने वाली है कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें दो दिसंबर दो को रितु वर्मा को ऑफिशियली कास्ट किया गया था नानी के अपोजिट जहाँ पे उससे पहले उन्होंने ये वाडी सुब्रमण्यम ने काम किया हुआ था इसके अलावा उनका तेलुगु लैंग्वेज में केसवा के बाद ये दूसरी तीसरी फिल्म थी और उसके बाद में बताया गया था कि वो इस फिल्म में विलेज गर्ल का रोल प्ले करेगी जहाँ पे एक बिग कमर्शियल फिल्म है उनके लिए ऐश्वर्या राजेश को इस फिल्म में सेकंड लीड के लिए लिया गया था जगपति बाबू ने नानी के भाई का रोल प्ले किया हुआ है और उसके बाद में नजर डेनियल बालाजी तिरुवीर रोहिणी देवादर्शिनी और प्रवीणा को इस फिल्म में इम्पोर्टेंट रोल के लिए लिया गया था फिल्म को ऑफिशियली जो लॉन्च किया गया था वो था तीस जनवरी दो को उसके बाद में फिल्म की प्रिंसिपल शूट 11 फरवरी 2020 को स्टार्ट की गई थी करीबन 10-12 दिनों के बाद लॉन्च के बाद फिल्म फिल्म को को स्टार्ट किया गया था जहां पे इनिशियली पोलाची में शूट किया गया था राजमंडरी में और वहीं लोकेशन के ऊपर कुछ क्रिशियल सीन्स क्रिएट किए हुए थे और फिल्म के जो एक्शन सीक्वेंस थे और एक दो गाने थे वहां पे प्लान करके शूट किए गए थे कोविड नाइनटीन की वजह से कुछ चीजें शूट हुई थी बाद में फिल्म को रिज्यूम करना सॉरी पोस्ट का पोज करना पड़ा था उसके बाद में सात अक्टूबर 2020 से फिल्म को फिर से रिज्यूम किया गया जहां पे फिल्म को हैदराबाद में शूट किया गया था कोविड की वजह से प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए फिल्म को धीरे धीरे शूट किया जा रहा था जहाँ पे इस फिल्म की 75 परसेंट शूटिंग इस बीच में कंप्लीट की गई थी करीबन फिल्म का फाइनल सीडियो 5 दिसंबर 2020 तक कंप्लीट करवाया गया था वहीं पे इस फिल्म को पूरी तरह से कंप्लीट करवाया गया उसके बाद में फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन का काम स्टार्ट किया गया था जहां पे नानी ने अपने पोस्टर्म की डबिंग जनवरी दो तक कम्प्लीट करवा दी थी, थी। उसके बाद में इस फिल्म को पूरी तरह से कंप्लीट करवाने के बाद सेंसर करवाते हुए इस फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट लेते हुए थिएटर के लिए रिलीज किया गया था सॉरी रिलीज डेट ली गई थी लेकिन बाद में थिएटर के लिए फिल्म को रिलीज नहीं किया गया था कोविड की वजह से इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो आदित्य म्यूजिक के पास राय से थमानेसिस और गोपी सुंदर ने इस फिल्म के सॉन्ग्स को कंपोज किया हुआ है

बूढ़ी वेरेपुरम करके जो गांव है वहां पे एक फैमिली रहती है वहां की कहानी दिखाई गई है जहाँ पे इस फिल्म के एक टोन बिटवीन जहाँ पे आजिशेष नायडू और वीरेंद्र इन दिन दोनों के बीच में जहाँ पे वीरेंद्र का रोल प्ले कर रहे हैं डेनियल बालाजी और आदिशेष नायडू का रोल प्ले कर रहे हैं नजर दूसरे हाथ पे जग जगदीश की नानी जो गांव का सबसे ज्यादा पसंदीदा और यंगेस्ट मेंबर है वहीं पे वो उस आदि फैमिली का सबसे यंगेस्ट मेंबर है जहां पे वो कुम्मा डिवारा लक्ष्मी से प्यार करता है जिसका रोल प्ले करे रितु वर्मा लेकिन ये सभी चीजें तब साफ में टन देती है जब आदिशेष नायडू का एक देहांत हो जाता है यानी कि टक जगदीश से पिता का देहांत हो जाता है उसके बाद में चीजें पूरी तरह से बदल जाती है जहाँ पे टक जगदीश का एल्डर ब्रदर यानी कि बोस यानी कि जगपति बाबू वो रोल प्ले कर रहे वो और उन दोनों के बीच में कुछ अनबन हो जाती है अब फैमिली फिर से किस तरह से एक होगी टक जगदीश इस सभी मैटर को कैसे हैंडल करेगा वही फिल्म की कहानी बनाती है नानी इस फिल्म की लाइफ और सोल है जिस तरह से टग जगदीश के किरदार में उन्होंने काम किया हुआ है उसमें जिस तरह से वो कन्विंस मैनर में सभी चीजों को डिलीवर करते हैं वो आपको जरूर पसंद आएगा ये सभी चीजें ऑडियंस को काफी बढ़िया तरीके से पसंद आएगी उनकी डायलॉग डिलीवरी उनका जो परफॉर्मेंस था पूरी फिल्म में काफी स्टैंड आउट लगा हुआ है जिस तरह से उन्होंने किरदार के, के प्रति अप्रोच किया हुआ था वो ओवर एक नजर नहीं आ रहा था उन्होंने सबल एक्सप्रेशन के साथ काफी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के सभी मोमेंट्स को हैंडल किया हुआ था इमोशनल सीन्स एक्शन सिक्वेंस सभी जगह पे उनका काम काफी शानदार नजर आता है रितु वर्मा को एक इम्प्रेसिव रोल दिया गया था जहाँ पे उन्होंने काफी बढ़िया तरीके से नानी के किरदार को सपोर्ट किया हुआ था बाबू ने एक मीटी रोल प्ले किया हुआ इसे करना पे है है सेकंड हाफ में उनका किरदार काफ़ी बढ़िया तरीके से डेवलप होता काम आपको ज़रूर पसंद आएगा नानी और उनके बीच में जो सीस क्रिएट किया हुए डायरेक्टर ने उनको अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था फिल्म में सपोर्टिंग कास्ट है वो काफी इंप्रेसिव मिनर में सेट की गई है इसके अलावा इस फिल्म में आपको काफी बेहतरीन देखने को मिलते हैं जहाँ पे डेनियल बालाजी ने काफी एक हाईलाइट काम

बीजे में वो गोपी सुंदर ने क्रिएट किया हुआ था एडिटिंग के ऊपर बातचीत करें तो काफी ज्यादा इसे देखने को मिलते जिसे किया जा सकता था ये फिल्म करीबन ढाई घंटे के आसपास की फिल्म है जिसको घंटे घंटे के 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 या मिनट आसपास आसानी से लाया जा सकता था इसके अलावा नानी किरदार के के को जिस तरह से स्टाइलाइज किया हुआ है जो प्रोडक्शन डिजाइन देखने को मिलती है वो अच्छी है फिल्म के डायलॉग बढ़िया है स्क्रीन प्ले थोड़ा बेहतर किया जा सकता था वो डल नजर आ रहा था डायरेक्टर शिवाना ने फिल्म के साथ डिसेंट काम किया हुआ है वहां पे इस फिल्म की कहानी को रूटीन मिनर में दिखाते और उनका नरेशन भी उतना ही ऑर्डिनरी और काफी वही रूटीन प्रेडिक्टेबल नजर आ रहा था

भी देखने को मिलते थे इन सभी चीजों की वजह से एक बार इस फिल्म को देखा जा सकता है के के करें तो इस फिल्म के राइट के ऊपर लिए जहाँ पे इस फिल्म को फिलहाल में आप तेलुगु वर्जन में अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर टक जगदीश नाम के साथ विद इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन इन्जॉय कर सकते हो जहाँ पे इस फिल्म को आई पे जो पांच पॉइंट की रेटिंग हासिल की गई साढ़े वोट में तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स मिला था वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी वर्जन है उसके राइट गोलमायूब के पास है, तो टक टक दिस फिल्म आपको आने वाले समय में के 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 चैनल चैनल और टेलीविजन ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश सब टाइटल जहां पे इस फिल्म को दूसरे कोई भी यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑफिशियल प्रीमियर नहीं करवाया जाएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि इस फिल्म का जो तेलुगु वर्जन है वो अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर ऑफिशियली विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन

जहाँ पे फिल्म का जो स्टोरी आइडिया था उसके ऊपर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन सभी चीजें सिवा निर्वाणा ने क्रिएट किए हुई है फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ साहू गरुपति और हरीश पेड्डी ने जिन्होंने इस फिल्म को साइंस स्क्रीन प्रोडक्शन कंपनी के नीचे एक मीडियम बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ था जहां पे इस फिल्म को डायरेक्ट ओटीटी पे रिलीज करवाया गया था और ओटीटी डिस्ट्रीब्यूशन टी डिब्यूशन के राइट अमेजोन प्राइम वालों ने खरीदे हुए थे इसके अलावा इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था दूसरे टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करे तो सिनेमाटोग्राफी प्रसाद मुरेला ने की हुई है एडिटिंग में प्रवीण पुडी ने काम किया हुआ है जिन्होंने एक मिनट यानी कि दो घंटे छब्बीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ गोपी सुंदर ने और जो सॉन्ग्स है वो क्रिएट किए हुए थमन एस और गोपी सुंदर दोनों मिलकर जहाँ पे इस फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स वो आदित्य म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए, हुए तो नायडू का रोल प्ले किया हुआ है, कि टक जगदीश वाला के दर टाइटल के दर उन्होंने प्ले किया हुआ है रितु वर्मा आपको गुम्मा डी वारा लक्ष्मी के रोल में दिखाई देंगी ऐश्वर्या राजेश ने चंद्रम्मा यानी कि चंद्रा का रोल प्ले किया हुआ है बाबू को बोसु बाबू का रोल दिया गया था नजर को आदि का रोल दिया गया था वहीं पे डेनियल ने तिरुमा पार्वती का रोल रोहिणी को दिया गया था, था, था देवादर्शिनी ने इस फिल्म में गंगा भवानी का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे नरेश ने साथी बाबू का रोल प्ले किया हुआ है राव रमेश को इस फिल्म में देवगुडा बाबू का रोल दिया गया था जयप्रकाश ने रघुराम पे पट्रूडू का रोल प्ले किया हुआ है कांता यंगर इस फिल्म में एम आर ओ मोहन राव के रोल में दिखाई देंगे आदू कलाम नरे ने फिल्म में सोमराजू का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे कंचर पालेम राजू को भी रोल प्ले किया हुआ है बिंदु आपको इस फिल्म में ज्योति के रोल में दिखाई देंगी और वीरेंद्र के माँ का किरदार है वो कल्याणी राज ने प्ले किया हुआ था साय वाला किरदार प्रवीण को दिया गया था रघु बाबू ने सूर्य नारायण का रोल प्ले किया हुआ है राम राजू ने इस फिल्म में शेरी नायडू वाला किरदार प्ले किया हुआ है सीवीएल नसीमा राव को एडवोकेट

प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करे तो अगस्त 2019 में कुछ से पता चला था कि नानी एक फिल्म करने वाले जहाँ पे एक प्रोजेक्ट सामने निकल के आया हुआ है और ये प्रोजेक्ट वो निर्वाणा के साथ बनाने वाले जहाँ पे निन्नू कोरी जो 2017 में फिल्म आई थी उसके बाद में उनका एक सेकंड कोलोब्रेशन होने वाला है वो फिल्म काफी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी जहाँ पे बताया गया था कि इस फिल्म को साहू गारपत्ती और हरीश पेड्डी प्रोड्यूस करने वाले अपने प्रोडक्शन कंपनी साइंस स्क्रीन प्रोडक्शन के नीचे इस फिल्म का जो टाइटल पोस्टर था वो ऑफिशियली तीन दिसंबर दो को आउट किया गया था जहाँ पे इस फिल्म को टक जगदीश नाम से रिवील किया गया था इसके अलावा इस फिल्म के जोनर के ऊपर फिल्म के प्लॉट के ऊपर कोई भी कंफर्मेशन और इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी बाद में इस फिल्म में जो प्रोटोकॉल इसका किरदार है उसके ऊपर बताया गया था कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर से जूझता हुआ नजर आएगा जहाँ पे नानी ने क्लेरिफाई किया हुआ कि वो न्यूज़ गलत है टक जगदीश एक आ... आ, मसाला जोनर वाली फिल्म होने वाली और ये ये नानी के करियर की प्योर मसाला जोनर वाली पहली फिल्म होने वाली है कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें दो दिसंबर दो हजार उन्होंने एआर डी सुब्रमण्यम ने काम का किया हुआ था इसके अलावा उनका तेलुगु लैंग्वेज में केसवा के बाद ये दूसरी तीसरी फिल्म थी और उसके बाद में बताया गया था कि वो इस फिल्म में विलेज गर्ल का रोल प्ले करेगी जहाँ पे एक बिग कमर्शियल फिल्म है उनके लिए ऐश्वर्या राजेश को इस फिल्म में सेकंड लीड के लिए लिया गया था जगपति बाबू ने नानी के भाई का रोल प्ले किया हुआ है और उसके बाद में नजर डेनियल बालाजी तिरुवीर रोहिणी देवादर्शिनी और प्रवीणा को इस फिल्म में इम्पोर्टेंट रोल के लिए लिया गया था फिल्म को ऑफिशियली जो लॉन्च किया गया था वो था 30 जनवरी 2020 को उसके बाद में फिल्म की प्रिंसिपल शूट 11 फरवरी 2020 को स्टार्ट की गई थी करीबन 10-12 दिनों के बाद लॉन्च के बाद फिल्म फिल्म को को स्टार्ट किया गया था जहां पे इनिशियली पोलाची में शूट किया गया था राजमंडी में और वहीं लोकेशन के ऊपर कुछ क्रिशियल सीन्स क्रिएट किए हुए थे और फिल्म के जो एक्शन सीक्वेंस थे और एक दो गाने थे वहां पे प्लान करके शूट किए गए थे कोविड नाइन्टीन की वजह से कुछ चीजें शूट हुई थी बाद में फिल्म को रिज्यूम करना सॉरी पोस्ट का पोज करना पड़ा था उसके बाद में सात अक्टूबर 2020 से फिल्म को फिर से रिज्यूम किया गया जहाँ पे फिल्म को हैदराबाद में शूट किया गया था कोविड की वजह से प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए फिल्म को धीरे धीरे शूट किया जा रहा था जहाँ पे इस फिल्म की 75 परसेंट शूटिंग इस बीच में कंप्लीट की गई थी करीबन फिल्म का फाइनल सीडियो 5 दिसंबर 2020 तक कंप्लीट करवाया गया था वहीं पे इस फिल्म को पूरी तरह से कंप्लीट करवाया गया उसके बाद में फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन का काम स्टार्ट किया गया था जहां पे नानी ने अपने की डबिंग जनवरी 2021 तक कंप्लीट करवा दी थी उसके बाद में इस फिल्म को पूरी तरह से कंप्लीट करवाने के बाद सेंसर करवाते हुए इस फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट लेते हुए थिएटर के लिए रिलीज किया गया था सॉरी रिलीज डेट ली गई थी लेकिन बाद में थिएटर के लिए फिल्म को रिलीज नहीं किया गया था कोविड की वजह से इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो आदित्य म्यूजिक के पास पास राय से थमानस

बोडीवेरपुरम करके जो गांव है वहां पे एक फेमिली रहती है वहां की कहानी दिखाई गई है जहाँ पे इस फिल्म के एक टोन बिटवीन जहाँ पे आदि शेष नायडू और वीरेंद्र इन दिन दोनों के बीच में जहाँ पे वीरेंद्र का रोल प्ले कर रहे रहेनि बालाजी और आदि शेष नायडू का रोल प्ले कर रहे नजर दूसरे हाथ पे टक जगदीश यानी कि नानी जो गाँव का सबसे ज्यादा पसंदीदा और यंगेस्ट मेंबर है वहीं पे वो उस आदि आदिशेष फैमिली का सबसे यंगेस्ट है जहा पे वो कुम्मा लक्ष्मी से प्यार करता है जिसका रोल प्ले करे रितु वर्मा लेकिन ये सभी चीजें तब साफ वे में टन देती है देहांत हो जाता है यानी कि टग जगदीश से पिता का देहांत हो जाता है उसके बाद में चीजें पूरी तरह से बदल जाती है जहाँ पे टक जगदीश का एल्डर ब्रदर यानी कि बोस यानी कि जगपति बाबू वो रोल प्ले कर रहे वो और उन दोनों के बीच में कुछ अनबन हो जाती है अब फैमिली फिर से किस स्तर से एक होगी टक जगदीश इस सभी मैटर को कैसे हैंडल करेगा वही फिल्म की कहानी पनाती नानी इस फिल्म की लाइफ और सोल जिस तरह से जिसके किरदार के में उन्होंने काम किया हुआ है उसमें जिस तरह से वो कन्विंस मैनर में सभी चीजों को डिलीवर करते हैं वो आपको जरूर पसंद आएगा ये सभी चीज़ें ऑडियंस को काफी बढ़िया तरीके से पसंद आएगी उनके डायलॉग डिलीवरी उनका जो परफॉर्मेंस था पूरी फिल्म में काफी स्टैंड आउट लगा हुआ है जिस तरह से उन्होंने किरदार के, के प्रति अप्रोच किया हुआ था वो ओवर एक नजर नहीं आ रहा था उन्होंने सबल एक्सप्रेशन के साथ काफी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के सभी मोमेंट्स को हैंडल किया हुआ था इमोशनल सीन्स एक्शन सिक्वेंस सभी जगह पे उनका काम काफी शानदार नजर आता है रितु वर्मा को एक इंप्रेसिव रोल दिया गया था जहाँ पे उन्होंने काफी बढ़िया तरीके से नानी के डेवलप होता है वहां पे काम आपको जरूर पसंद आएगा। नानी और उनके बीच में जो सीस क्रिएट किया हुए डायरेक्टर अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था फिल्म में सपोर्टिंग कास्ट है वो काफी सेट की गई है इसके अलावा इस फिल्म में आपको काफी बेहतरीन देखने को मिलते है जहाँ पे डेनियल बालाजी ने काफी एक हाईलाइट काम क्या हुआ है उनका जो एक परफॉर्मेंस है फिल्म में एक फ्रेश फीलिंग लाता है जिस तरह से फिल्म का सेकंड हाफ काफी बढ़िया तरीके से इंटरटेनिंग रखता है फिल्म का फर्स्ट हाफ है उसमें काफी बढ़िया तरीके से फैमिली इमोशन डाले हुए एक ट्विस्ट डाला हुआ है प्री इंटरवल पे वो काफी सारी बढ़िया तरीके से पेश किया गया है वो सभी चीजें पसंद आएगी इस फिल्म का जो इंटरवल बैंक क्रिएट किया हुआ है वो काफी हाई नोट के साथ क्रिएट किया गया था वहीं पेश वगैरह है अरजिस को इस फिल्म में सेकंड लीड के लिए लिया गया था जहाँ पे उनका काम उन्होंने डिसेंट वे में प्ले किया हुआ है नरेश राव रमेश रोहिणी देवादर्शिनी ये सभी लोग अपने रोल में काफी डिसेंट नजर आ रहे थे इस फिल्म का बैकड्रॉप की बात कर जो स्टोरी है उसमें कोई नोवेल्टी नजर नहीं आएगी ये सभी चीजें ये जो दिखाए गए वो इस फिल्म से पहले कई फिल्मों में आपने देखे होंगे ऐसा नजर आएगा नानी के किरदार में भी जो सभी चीजें क्रिएट की गई वो भी थोड़ी रूटीन नजर आएगी वो भी आपने देखी होगी लेकिन जिस तरह से नानी ने अप्रोच किया हुआ है वो थोड़ा चीजों को अलग और डिफरेंट करता है इसके अलावा इस फिल्म में काफी सारे अननेसेसरी सीन्स डाले हुए जो ऑडियंस का इंटरेस्ट पूरी तरह से किल करते हुए नजर आते उसे उसको हटा देना चाहिए था जिस वजह से फिल्म थोड़ी और क्रिस्प हो जाती

प्रॉपर वे में सक्सेस नहीं जाता है डायरेक्टर ने इस फिल्म में काफी सारी चीजों को स्क्रीन प्ले में जिस तरह से दिखाया हुआ है वो आपको उतना बेहतरीन नजर नहीं आएगा इस फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफी बढ़िया है कैमरा वर्क आपको काफी शानदार देखने को मिलेगा गांव का लोकेशन जिस तरह से नानी का जिस तरह से शोकेस किया हुआ है है वो काफी काफी ब्यूटीफुल नजर आता का म्यूजिक अच्छा था पे बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का डिसेंट नजर आता है ठीक का ठाक अच्छा था।, था वहीं पे बीजेम है वो गोपी सुंदर ने क्रिएट किया हुआ था एडिटिंग के ऊपर बातचीत करे तो काफी ज्यादा सीन्स जिसे देखने को मिलते जिसे चौपड़ किया जा सकता था ये फिल्म करीबन ढाई घंटे के आसपास की फिल्म है जिसको दो घंटे के

एक बार इस फिल्म को देखा जा सकता है तक जगदीश फिल्म के रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को 10 सितंबर 2021 को डायरेक्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलीज किया गया था एमेजोन प्राइम विडियो के ऊपर अमेजोन प्राइम वालों ने काफी बड़ी प्राइस दी हुई थी इस फिल्म के राइट्स के राइट्स लिए जहाँ पे इस फिल्म को फिलहाल में आप तेलगू वर्जन में अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर टक दिस नाम के साथ विद इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन इन्जॉय कर सकते हो जहा पे इस फिल्म को आई एम डी पे पांच पॉइंट छ की रेटिंग हासिल की गई साढ़े तीन हजार वोट में तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पांस मिला था

ये फिल्म गोरमाइंस के YouTube चैनल के ऊपर ऑफिशियली प्रीमियर करवाई जाएगी वहीं पे टेलीविजन चैनल पे आपको ये फिल्म गोरमाइंस के टीवी के चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी तो इस तरह से टक जगदीश फिल्म आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे हिंदी और तेलुगू वर्जन में टक जगदीश जो 2021 की इंडियन तेलुगू लैंग्वेज एक्शन फैमिली ड्रामा फिल्म है जहां पर फिल्म का जो स्टोरी आइडिया था उसके ऊपर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन सभी चीजें सिवा निर्वाणा ने क्रिएट किए हुई है फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ साहू गरुपति और हरीश पे ने जिन्होंने इस फिल्म को साइंस स्क्रीन प्रोडक्शन कंपनी के नीचे एक मीडियम बजट के साथ प्रोड्यूस किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म को डायरेक्ट ओटी टी पे रिलीज करवाया गया था और ओटी डिस्ट्रीब्यूशन के राइट अमेजोन प्राइम वालों ने खरीदे हुए थे इसके अलावा इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था दूसरे टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी प्रसाद मुरेला ने की हुई है एडिटिंग में प्रवीण पुरी ने काम किया हुआ है जिन्होंने 146 मिनट यानी कि दो घंटे 26 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है गोपी सुंदर ने और जो सॉन्ग्स है वो क्रिएट किए हुए थमन एस

बाबू को बाबू का रोल दिया गया था नजर को आदि का रोल दिया गया था वहीं पे डेनियल बालाजी ने नायडू का रोल प्ले किया हुआ है तिरुमाला नायडू वाला किरदार को दिया गया था अर्जुन का रोल रोहिणी को दिया गया था देवादर्शिनी ने इस फिल्म में गंगा भवानी का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे नरेश ने साथी बाबू का रोल प्ले किया हुआ है राव रमेश को इस फिल्म में देवुडा बाबू का रोल दिया गया था जयप्रकाश ने रघुराम पे पट्रोडू का रोल प्ले किया हुआ है इस फिल्म में इमारो मोहन राव के रोल में दिखाई देंगे आदू कलाम फिल्म में सोमराजू का रोल प्ले, प्ले किया हुआ है बिंदु फिल्म में दिखाई देंगे और वीरेंद्र के माँ का किरदार वो कल्याणी राज ने प्ले किया हुआ था साय वाला किरदार प्रवीण को दिया गया था बाबू ने नारायण का रोल प्ले किया हुआ राम राजू ने इस फिल्म में शेरी नायडू वाला किरदार प्ले किया हुआ है सीवीएल नरिमा राव को एडवोकेट

था कि नानी एक फिल्म करने वाले जहां पे एक प्रोजेक्ट सामने निकल के आया हुआ है और ये प्रोजेक्ट शिवा निर्वाणा के साथ

इसके अलावा इस फिल्म के जोनर के ऊपर फिल्म के के प्लॉट ऊपर कोई भी कंफर्मेशन और इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी बाद में इस फिल्म में जो का किरदार है उसके ऊपर बताया गया था कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर से जुटता हुआ नजर आएगा जहां पे नानी ने क्लेरिफाई किया हुआ था कि वो न्यूज गलत है टक जगदीश एक, एक मसाला जोनर वाली फिल्म होने वाली और ये ये नानी के करियर की प्योर मसाला जोनर वाली पहली फिल्म होने वाली है कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें दो दिसंबर दो को रितु वर्मा को ऑफिशियली कास्ट किया गया था नानी के अपोजिट जहाँ पे उससे पहले उन्होंने ये वाडे सुब्रमण्यम ने काम का किया हुआ था इसके अलावा उनका तेलुगु लैंग्वेज में केसवा के बाद ये दूसरी तीसरी फिल्म थी और उसके बाद में बताया गया था कि वो इस फिल्म विलेज गर्ल का रोल प्ले करेगी जहाँ पे एक बिग कमर्शियल फिल्म है उनके लिए ऐश्वर्या राजेश को इस फिल्में से के लिए लिया गया था जगपति बाबू ने नानी के भाई का रोल प्ले किया हुआ है और उसके बाद में नजर डेनियल बालाजी तिरुवीर रोहिणी देवादर्शिनी और प्रवीणा को इस फिल्म में इम्पोर्टेंट रोल के लिए लिया गया था फिल्म को ऑफिशियली जो लॉन्च किया गया था वो था दो जनवरी 2020 को उसके बाद में फिल्म की प्रिंसिपल शूट 11 फरवरी 2020 को स्टार्ट की गई थी करीबन 10-12 दिनों के के बाद बाद लॉन्च फिल्म को स्टार्ट किया गया था जहां पे इनिशियली फिल्म को पोलाची में शूट किया गया था राजमंडरी में और वहीं लोकेशन के ऊपर कुछ क्रिशियल सीन्स क्रिएट किए हुए थे और फिल्म के जो एक्शन सिक्न थे और एक दुकाने थे वहां पे प्लान करके शूट किए गए थे कोविड नाइनटीन की वजह से कुछ चीजें शूट हुई थी बाद में फिल्म को रिज्यूम करना सॉरी पोस्ट का पोज करना पड़ा था उसके बाद में सात अक्टूबर 2020 से फिल्म को फिर से रिज्यूम किया गया जहाँ पे फिल्म को हैदराबाद में शूट किया गया था कोविड की वजह से प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए फिल्म को धीरे धीरे शूट किया जा रहा था जहाँ पे इस फिल्म की 75% शूटिंग इस बीच में कंप्लीट की गई थी करीबन फिल्म का फाइनल सीडियो तो 5 दिसंबर 2020 तक कंप्लीट करवाया गया था वहीं पे इस फिल्म को पूरी तरह से कंप्लीट करवाया गया उसके बाद में फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन का काम स्टार्ट किया गया था जहां पे नानी ने अपने पोशन की डबिंग जनवरी 2021 तक कंप्लीट करवा दी थी उसके बाद में इस फिल्म को पूरी तरह से कंप्लीट करवाने के बाद सेंसर करवाते हुए इस फिल्म को यू एस सर्टिफिकेट लेते हुए थिएटर के लिए रिलीज किया गया था सॉरी रिलीज रिलीज डेट ली गई थी लेकिन बाद में थिएटर के लिए फिल्म को रिलीज नहीं किया गया था कोविड की वजह से इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो आदित्य म्यूजिक के पास राइट से थमन एसर गोपी सुंदर ने इस फिल्म के सॉन्ग्स को कंपोज किया हुआ है जहा पे एस एस थमन ने सभी गानों को कंपोज किया हुआ था टोटल छे गाने उसमें से पांच गाने उन्होंने कंपोज किए हुए थे

इस फिल्म के एक टोन बिटवीन जहाँ पे आदि आदिशेष नायडू और वीरेंद्र इन दिन दोनों के बीच में जहाँ वीरेंद्र का रोल प्ले कर रहे हैं डेनियल बालाजी और आदि का रोल प्ले कर रहे हैं नज़र दूसरे हाथ पे यानी कि नानी जो गांव का सबसे ज्यादा पसंदीदा और यंगेस्ट है वहीं पे वो उस आदिशेष फैमिली का सबसे यंगेस्ट है जहाँ पे वो कुम्मा डीवारा लक्ष्मी से प्यार करता है जिसका रोल प्ले करे रितु वर्मा लेकिन ये सभी चीजें तब साफ में टन देती है जब आदिश नायडू का एक देहांत हो जाता है यानी कि टक जगदीश से पिता का देहांत हो जाता है उसके बाद में चीजें पूरी तरह से बदल जाती है पे जगदीश का एल्डर ब्रदर यानी कि बोस यानी कि जगपति बाबू वो रोल प्ले कर रहे वो और उन दोनों के बीच में कुछ अनबन हो जाती है अब फैमिली फिर से किस तरह से एक होगी टक जगदीश इस सभी मैटर को कैसे हैंडल करेगा वही फिल्म की कहानी बनाती है नानी इस फिल्म की लाइफ और सोल है जिस तरह से टक के किरदार में उन्होंने काम किया हुआ है उसमें जिस तरह से वो कन्विंस मैनर में, में सभी चीजों को डिलीवर करते हैं वो आपको जरूर पसंद आएगा ये सभी चीजें ऑडियंस को काफी बढ़िया तरीके से पसंद आएगी उनकी डायलॉग डिलीवरी उनका जो परफॉर्मेंस था पूरी फिल्म में काफी स्टैंड आउट लगा हुआ है जिस तरह से उन्होंने किरदार के, के प्रति अप्रोच किया हुआ था वो ओवर एक नजर नहीं आ रहा था उन्होंने सबल एक्सप्रेशन के साथ काफी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के सभी मोमेंट्स को हैंडल किया हुआ था इमोशनल सीन्स एक्शन सिक्वेंस सभी जगह पे उनका काम काफी शानदार नजर आता है रितु वर्मा को एक रोल दिया गया था जहाँ पे उन्होंने काफी बढ़िया तरीके से नानी के डेवलप होता है वहां पे काम आपको जरूर पसंद आएगा। नानी और उनके बीच में जो सीन्स क्रिएट किया हुए डायरेक्टर उनको अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था फिल्म में सपोर्टिंग कास्ट है वो काफी इंप्रेसिव मिनर में सेट की गई है इसके अलावा इस फिल्म में आपको काफी बेहतरीन देखने को मिलते है जहाँ पे डेनियल बालाजी ने काफी हाईलाइट काम

लोग अपने रोल में काफी डिसेंट नजर आ रहे थे इस फिल्म का बेग ड्रॉप की बात कर रोल प्ले किया हुआ है और उसके बाद में नजर डेनियल बालाजी तिरुवीर रोहिणी देवादर्शिनी और प्रवीणा को इस फिल्म में इम्पोर्टेंट रोल के लिए लिया गया था फिल्म को ऑफिशियली जो लॉन्च किया गया था वो था 30 जनवरी 2020 को उसके बाद में फिल्म की प्रिंसिपल शूट 11 फरवरी 2020 को स्टार्ट की गई थी करीबन दस बारह दिनों के बाद लॉन्च के बाद फिल्म को स्टार्ट किया गया था जहां पे इनिशियली फिल्म को पोलाची में शूट किया गया था राजमंडी में और वहीं लोकेशन के ऊपर कुछ क्रिशल सीन्स क्रिएट किए हुए थे और फिल्म के जो एक्शन सिक्वेंस थे और एक गाने थे वहां पे प्लान करके शूट किए गए थे कोविड नाइनटीन की वजह से कुछ चीजें शूट हुई थी बाद में फिल्म को रिज्यूम करना सॉरी पोस्ट का पोज करना पड़ा था उसके बाद में सात अक्टूबर 2020 से फिल्म को फिर से रिज्यूम किया गया जहां पे फिल्म को हैदराबाद में शूट किया गया था कोविड की वजह से प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए फिल्म को धीरे धीरे शूट किया जा रहा था जहां पे इस फिल्म की 75 परसेंट शूटिंग इस बीच में कंप्लीट की गई थी करीबन फिल्म का फाइनल सीडियो 5 दिसंबर 2020 तक कंप्लीट करवाया गया था वहीं पे इस फिल्म को पूरी तरह से कंप्लीट करवाया गया उसके बाद में फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन का काम स्टार्ट किया गया था जहां पे नानी ने अपने पोषण की डबिंग जनवरी दो तक कम्प्लीट करवा दी थी उसके बाद में इस फिल्म को पूरी तरह से कंप्लीट करवाने के बाद सेंसर करवाते हुए इस फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट लेते हुए थिएटर के लिए रिलीज किया गया था सॉरी रिलीज डेट ली गई थी लेकिन बाद में थिएटर के लिए फिल्म को रिलीज नहीं किया गया था कोविड की वजह से इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो आदित्य म्यूजिक के पास पास राइट से थमाने गोपी सुंदर ने इस फिल्म के सॉन्ग्स को कंपोज किया हुआ है पे ने सभी गानों को कंपोज किया हुआ था टोटल गाने उसमें से गाने, उन्होंने अगर आपको सुने तो वीडियो फॉर्मेट म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते वो अब बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो फिल्म की कहानी है, वो एक ज्वाइंट फैमिली के ऊपर बेस्ड है जहाँ पे बोडेवेरपुरम करके जो गांव है वहाँ पे एक फैमिली रहती है वहाँ की कहानी दिखाई गई है जहाँ पे इस फिल्म के एक टोन बिटवीन जहाँ पे आदिश एस नायडू और वीरेंद्र इन दिन दोनों के बीच में जहाँ पे वीरेंद्र का रोल प्ले कर रहे हैं डेनियल बालाजी और आदिश एस नायडू का रोल प्ले कर रहे नज़र दूसरे हाथ पे टक जगदीश यानी कि नानी जो गाँव का सबसे ज़्यादा पसंदीदा और यंगेस्ट मेंबर है वहीं पे वो उस आदि फैमिली का सबसे यंगेस्ट मेंबर है जहा पे वो कुमार टी लक्ष्मी से प्यार करता है जिसका रोल प्ले करे रितु वर्मा लेकिन ये सभी चीजें तब साफ में टन रहती है जब आदिष नायडू का एक देहांत हो जाता है यानी कि जगदीश से पिता का देहांत हो जाता है उसके बाद में चीजें पूरी तरह से बदल जाती है जहाँ पे टग जगदीश का एल्डर ब्रदर यानी कि बोस यानी कि जगपति बाबू रोल प्ले कर रहे हैं वो और उन दोनों के बीच में कुछ अनबन हो जाती है अब फैमिली फिर से किस तरह से एक होगी टग जगदीश इस सभी मैटर को कैसे हैंडल करेगा वही फिल्म की कहानी बनाती है नानी इस फिल्म की लाइफ और सोल है जिस तरह से टक जिसके किरदार में उन्होंने काम किया हुआ है उसमें जिस तरह से वो कन्विंस मैनर में सभी चीज़ों को डिलीवर करते हैं वो आपको जरूर पसंद आएगा ये सभी चीज़ें ऑडियंस को काफ़ी बढ़िया तरीके से पसंद आएगी उनकी डायलॉग डिलीवरी उनका जो परफॉर्मेंस था पूरी फिल्म में काफ़ी स्टैंड आउट लगा हुआ है जिस तरह से उन्होंने किरदार के, के प्रति अप्रोच किया हुआ था वो ओवर एक नज़र नहीं आ रहा था उन्होंने सबल एक्सप्रेशन के साथ काफी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के सभी मोमेंट्स को हैंडल किया हुआ था इमोशनल सीन्स एक्शन सिक्वेंस सभी जगह पर उनका काम काफी शानदार नजर आता है रितु वर्मा को एक इम्प्रेसिव रोल दिया गया था जहाँ पे उन्होंने काफी बढ़िया तरीके से नानी के किरदार को सपोर्ट किया हुआ था बाबू ने एक रोल प्ले किया हुआ पे है है उनका उनका किरदार काफ़ी बढ़िया तरीके से डेवलप होता काम आपको ज़रूर पसंद आएगा नानी और उनके बीच में जो सीन्स क्रिएट किया हुए डायरेक्टर ने उनको अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था फिल्म में सपोर्टिंग कास्ट है वो काफी इम्प्रेसिव मेनर में सेट की गई है इसके अलावा इस फिल्म में आपको काफी बेहतरीन देखने को मिलते हैं जहाँ पे डेनियल बालाजी ने काफी एक हाईलाइट काम क्या हुआ है उनका जो एक परफॉर्मेंस है फिल्म एक फ्रेश फीलिंग लाता है जिस तरह से फिल्म का सेकंड हाफ काफी बढ़िया तरीके से इंटरटेनिंग रखता है फिल्म का फर्स्ट हाफ है उसमें काफी बढ़िया तरीके से फैमिली फेमिलीमोशन डाले हुए एक ट्विस्ट डाला हुआ प्री इंटरवल पे वो काफी सारे बढ़िया तरीके से पेश किया गया है वो सभी चीजें पसंद आएगी इस फिल्म का जो इंटरवल बैंक क्रिएट किया हुआ है वो काफी हाई नोट के साथ क्रिएट किया गया था वहीं पेश वगैरह है अरजिस को इस फिल्म में सेकंड लीड के लिए लिया गया था जहाँ पे उनका काम उन्होंने डिसेंट वे में प्ले किया हुआ है नरेश राव रमेश रोहिणी देवादर्शिनी ये सभी लोग अपने रोल में काफी डिसेंट नजर आ रहे थे इस फिल्म का बैकड्रॉप की बात जो स्टोरी है उसमें कोई नोवेलिटी नजर नहीं आएगी ये सभी चीजें ये जो दिखाए गए वो इस फिल्म से पहले कई फिल्मों में आपने देखे होंगे ऐसा नजर आएगा नानी के किरदार में भी जो सभी चीजें क्रिएट की गई वो भी थोड़ी रूटीन नजर आएगी वो भी आपने देखी होगी लेकिन जिस तरह से नानी ने अप्रोच किया हुआ है वो थोड़ा चीजों को अलग और डिफरेंट करता है इसके अलावा इस फिल्म में काफी सारे अननेसेसरी सीन्स डाले हुए जो ऑडियंस का इंटरेस्ट पूरी तरह से किल करते हुए नजर आते है उसे उसको हटा देना चाहिए था जिस वजह से फिल्म थोड़ी और क्रिस्प हो जाती

बीजेम है वो गोपी सुंदर ने क्रिएट किया हुआ था एडिटिंग के ऊपर बातचीत करें तो काफी ज्यादा देखने को मिलते जिसे किया जा सकता था ये फिल्म करीबन ढाई घंटे के आसपास की फिल्म है जिसको दो घंटे के या दो घंटे मिनट के आसपास आसानी से लाया जा सकता था इसके अलावा नानी के किरदार को जिस तरह से स्टाइलाइज किया हुआ है जो प्रोडक्शन डिजाइन देखने को मिलती है वो अच्छी है फिल्म के डायलॉग बढ़िया है स्क्रीन पे थोड़ा बेहतर किया जा सकता था वो डल नजर आ रहा था डायरेक्टर शिवान निरवाना ने फिल्म के साथ डिसेंट काम किया हुआ है वहां पे इस फिल्म की कहानी को

जहाँ पे काफी सारी टिपिकल चीजें नजर आएगी इमोशन ट्विस्ट आपको फर्स्ट हाफ आप में देखने को मिलते हैं, सेकंड हाफ में एक्शन सिक्वेंस और कुछ दूसरी स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेज भी देखने को मिलते हैं, इन सभी चीजों की वजह से एक बार इस फिल्म को देखा जा सकता है टक दिस फिल्म के रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को 10 सितंबर 2021 को डायरेक्ट ओटी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलीज किया गया था तेलगू वर्जन के के में ऊपर टक जगदीश नाम के साथ इंग्लिश टाइटल विद सब्सक्रिप्शन इन्जॉय कर सकते हो जहा पे इस फिल्म को आई पे जो पांच की रेटिंग हासिल की गई साढ़े वोट में तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस फिल्म को

वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी वर्जन है उसके राइट्स गोलमाइंस के पास है तो टक दिस फिल्म आपको आने वाले समय में के चैनल और के के टेलीविजन चैनल ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी इंग्लिश विंग्लिश टाइटल को दूसरे कोई भी यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑफिशियली प्रीमियर नहीं करवाया जाएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि इस फिल्म का जो तेलुगु वर्जन है वो अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर ऑफिशियली विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्स इन्जॉय कर पाओगे वहीं पे हिंदी वर्जन है उसके राइट्स गोल के पास है तो यूट्यूब चैनल के ऊपर